अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, यदि आप कतर में रहते हो और कतर के इन तरीन खबरों से हमेशा वाकिफ रहना चाहते हो तो ये वीडियो को बिना स्किप के पूरा देखिए। चैनल पे नए हो या फिर पहली बार आया हो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको हमेशा दोस्तों फ्री में मिलती रहे। तो साथियों, आज के वीडियो में सबसे पहली जो खबर दोस्तों आ रही कतर एयरवेज के कार्गो डिपार्टमेंट से आ रही है। तो साथियों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि कोरोना वायरस आने की वजह से काफी ज्यादा वहां पर पूरी दुनिया में दोस्तों लोगों को तकलीफ हुई थी, और इसका दोस्तों मेन कारण ये था क्योंकि उस टाइम कुछ इंतजाम वगैरह नहीं थे। तो दोस्तों, कतर एयरवेज कार्गो डिपार्टमेंट की तरफ से अनाउंसमेंट किया गया है कि कोरोना पैंडेमिक के वजह से कतर एयरवेज कार्गो के द्वारा लगभग 600 मिलियन डोज कोविड-19 का अलग अलग देशों में ट्रांसपोर्ट किया गया, जिनमें सिर्फ 154 मिलियन जो डोज है वो सिर्फ गल्फ नेशन में यानी गल्फ कंट्रियों में दोस्तों वो दिया गया। तो साथियों, कोरोना काल के टाइम में कतर एयरवेज बहुत ही अहम भूमिका निभाया है वैक्सीन को पहुंचाने के लिए, एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए बहुत ही बड़ी अहम भूमिका निभाई गई। अगली खबर दोस्तों आ रही है, बहुत ही बड़ी खबर है साथियों, आपके जानकर काफी खुशी होगी। सऊदी अरेबिया हुकूमत की तरफ से बहुत ही बड़ी अनाउंसमेंट की गई है। सऊदी अरेबियन गवर्नमेंट की तरफ से अनाउंसमेंट किया गया है कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ट्रैवल जो इंडिया, टर्की, वियतनाम और इथियोपिया के लिए जो कोरोना वायरस आने की वजह से जो भी पाबंदियां वगैरह लगाई गई थी, वो सभी पाबंदियों को सऊदी अरेबियन गवर्नमेंट के तरफ से सभी पाबंदियों को हटा लिया गया है। जी हाँ साथियों, बिल्कुल सही सुन रहे हैं, जो भी पाबंदियां थी सभी पाबंदियों को सऊदी हुकूमत की तरफ से हटा लिया गया, जितनी भी तरह के पाबंदियां भारत पे लगाई गई थी। अगली खबर दोस्तों आ रही साथियों, अगली खबर जो आ रही है वो अलवकरा म्यूनिसिपैलिटी की तरफ से आ रही। कतर की जो अलवकरा म्यूनिसिपैलिटी है उनके तरफ से कैंपेन चलाई गई थी। कैंपेन के दौरान दोस्तों लगभग दो दुकानों को, फूड स्टफ को जो कि अनलाइसेंस था, उस दुकानों पे लगभग 5300 किलो ऐसी चीजें वो बेच रहा था जो कि एक्सपायर कर चुका था। जी हाँ साथियों, वो एक्सपायर कर चुका था, उसके बावजूद भी वो लोग अपने दुकान में वो सामान को रखा हुआ था। जिसके बाद अलवकरा टीम वहां पर पहुंची, जब चेकिंग वगैरह करने लगी तो लगभग 5300 किलो का दोस्तों पाया गया। फिलहाल सभी को वहां पे जब्त किया गया और सभी को डिस्ट्रॉय किया गया, यानी डिस्ट्रॉय का मतलब दोस्तों खत्म कर दिया गया है, और उस दुकान को वहां पे बंद करके उस दोनों दुकानदारों पे वहां पे कानूनी कार्रवाई करके अरेस्ट कर लिया गया है। अगली खबर की ओर साथियों चलते हैं। अगली खबर दोस्तों जो आ रही साथियों वो बहुत ही बड़ी खबर है, क्योंकि खबर साथियों कंबोडिया से आ रही है। तो दोस्तों, वीडियो की स्क्रीन पे मैं एक फोटो आपको शो कर रहा हूं, जैसा कि आप देख सकते हैं इसे दोस्तों एक तरह की मछली है। साथियों, वीडियो के सामने जो फोटो देख रहे हैं, एक मछली है, इसे कहा जाता है फ्रेश वाटर फिश। तो दोस्तों, ये कंबोडिया के एक समुद्र किनारे दोस्तों ये फिश पाई गई, और ये दुनिया की सबसे बड़ी फ्रेश वाटर फिश जो होता है वो अभी तक की पाई गई है। इसका वजन लगभग, ये बताया जा रहा है कि 661 पाउंड इसका वजन है, 13 फुट ये लगभग लंबा है, और इसकी उम्र दोस्तों, ये जो फिश जो पकड़ा है ये 42 साल का, इनका नाम है जेब होगन। इनके द्वारा साथियों वहां पे उनकी मछली को पकड़ा गया है। अगली खबर की ओर साथियों चलते हैं। अगली खबर दोस्तों जो आ रही साथियों, वीडियो के स्क्रीन पे एक फोटो में आपको शो कर रहा हूं। तो साथियों, पूरी दुनिया में सबसे बड़ी स्टेडियम बनने का दोस्तों आगाज रखा जा सकता है, हो सकता है ये स्टेडियम बनकर तैयार हो जाए। इसमें अंदाजा ये लगाया जा रहा है दोस्तों, इसमें कम से 1 मिलियन कैपेसिटी के साथ ये स्टेडियम को बनाया जाएगा। लगभग 1,000,000 लोग इसमें एक साथ स्टेडियम में बैठकर मजा ले पाएंगे। तो दोस्तों, इस पे अभी ये इसका भी दोस्तों एक तरह का प्रपोजल को रखा गया है, इसका नक्शा को रखा गया है, हो सकता है बहुत ही जल्दी दोस्तों इसे बनाया जाएगा कतर में। अगली खबर की ओर साथियों चलते हैं। अगली खबर दोस्तों जो आ रही है वो बांग्लादेश से आ रही। तो दोस्तों, आपको पता होगा यदि बांग्लादेशी आप वर्कर हैं तो बांग्लादेश में भारी वहां पे बाढ़ आई हुई है। बाढ़ आने की वजह से लगभग वहां पे 36 लोगों की अब तक मारे जाने की पुष्टि की जा चुकी है, और लगभग वहां पे 1,000,000 लोग मारे जाने की दोस्तों वहां से खबर आ रही है। तो साथियों, बहुत ही ज्यादा वहां पे नुकसान हो रहा है, और बहुत ही भारी दोस्तों लोगों को वहां पे इसकी चुकानी पड़ रही है। तो दोस्तों, ये कुछ अपडेट्स थी, कुछ खबरें थी जो कि कतर से आ रही थी, मैंने अब तक शेयर किया। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि और भी लोगों को इसकी जानकारी हो सके। मिलते साथियों नेक्स्ट वीडियो पे। अल्लाह हाफिज़।